हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक्निक में। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे स्प्रिंग बूट के बारे में कि स्प्रिंग बूट जो है हम लोग कैसे उसका प्रोजेक्ट बनाएंगे इक्लिप्स के अंदर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक इक्लिप्स खोल रखा है, तो आपने भी इक्लिप्स खोल लेना है। देन अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो क्या करना है, फाइल पर जाना है, न्यू सेलेक्ट करना है, फाइल पे जाके न्यू सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आपको स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट दिखेगा, ठीक है ना। स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि ऐसा कुछ URL दिख के आएगा, सर्विस URL, यहाँ पे start.spring.io। आप चाहो तो इस वाले लिंक पे जाके भी वहाँ पे बना सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो जैसे मैं ये दे देता हूँ, स्प्रिंग बूट आइकन डेमो, राइट, ये मैंने दे दिया। उसके बाद यहाँ पे टाइप सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेडल आप चाहो तो ग्रेडल यूज कर सकते हो, मेविन यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप टाइप जार या वार सिलेक्ट कर सकते हो। लैंग्वेज आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, ग्रूबी, कोटलिन या जावा। ओके, यहाँ पे जावा वर्जन आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा जावा 8 है। उसके बाद से यहाँ पे ग्रुप आप दे सकते हो जो भी मन करे। जैसे मैंने स्टूडेंट टेक्निक दे रखा है, आर्टिफैक्ट में यही रहने दो। वर्जन आप यहाँ चाहो तो चेंज कर सकते हो या फिर जो डिफॉल्ट है वहीं रहने दो। यहाँ पे आप छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, जैसे डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट फॉर, जैसे मैं बिगिनर्स कर देता हूँ, फॉर बिगिनर्स, ओके। उसके बाद पैकेज हो गया com.studentTechnic, ठीक है। इस पैकेज को आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, हम नहीं करेंगे। अगेन आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो, ऐड प्रोजेक्ट टू वर्किंग सेट, करना चाहो तो करो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा नेक्स्ट करने पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप स्प्रिंग बूट का वर्जन चूज कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे 3.0 है, जो स्नैपशॉट है, स्नैपशॉट मीन्स ये स्टेबल नहीं होगा अभी, ऐसे ही M4 और ये 2.7.4 स्नैपशॉट है। ये 2.7.3 ये आपका स्टेबल वर्जन है, तो ये हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे 2.6.211 भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद से यहाँ फ्रिक्वेंटली यूज्ड, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे होगे तो ये आप में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। आप नीचे से ऐसे देख सकते हो, इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, डेवलपर टूल्स में होगा, इसको आप खोल खोल के देख सकते हो, या फिर आप सीधे यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे आपको स्प्रिंग बूट के लिए क्या जरूरी है, स्प्रिंग वेब, राइट, तो यहाँ पे सर्च करोगे तो स्प्रिंग वेब आ जाएगा आपको। वैसे मेरा ऑलरेडी ऊपर है तो मैंने स्प्रिंग वेब यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, यही मुझे चाहिए होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है, ये जैसे है वैसे ही रहने दो। उसके बाद आपको करना है फिनिश, तो ये करेगा डाउनलोड, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इम्पोर्ट कर रहा है, और इसको आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, ये सब इम्पोर्ट कर रहा है जितने भी चीज़ें थी ये सब कुछ, ओके। हाँ, अब यहाँ पे आप देखोगे हमारा प्रोजेक्ट आ गया, स्प्रिंग बूट डेमो जो हमने बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सब कुछ सही से आ रहा है, स्प्रिंग मेन सर्विस, स्प्रिंग मेन जावा रिसोर्सेज, टेस्ट, जेआरई, सिस्टम लाइब्रेरी, मेवन, डिपेंडेंसीज। आपको एक बार खोल के दिखा भी देता हूँ ऐसे आपको। ये आपका मेन क्लास हो गया, राइट, ये आपका मेन क्लास हो गया, मेन क्लास ऐसे दिखता है, ठीक है। इसी से हम लोग का एप्लीकेशन रन होगा। देन आप वहीं रिसोर्सेज में देखोगे तो आपका एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज जो डिफॉल्ट होता है इसका वो हो गया। देन ये टेस्ट के लिए है, अगर आप टेस्ट केसेस लिखना है तो आपको इधर लिखना होगा, डिफॉल्ट इसने ये कॉन्टेक्स्ट लोड्स करके दे रखा है। तो ऐसे करके आप देख सकते हो, जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी जो हमारे जार्स हैं वो सब यहाँ होंगे। मेवन डिपेंडेंसीज प्रोजेक्ट में ये देखो, हमने जो केवल स्प्रिंग वेब यूज करा तो स्प्रिंग से रिलेटेड जितने सारे थे वो सारे के सारे जार इसने बाय डिफॉल्ट से क्या किए, डाउनलोड कर लिए, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि ये इजी टू यूज है, अपने को कुछ नहीं करना, बस एक डिपेंडेंसीज डालनी है और बस अपना काम हो जाता है, ठीक है। मेवन डिपेंडेंसीज देख लिए, वही है सोर्स, ये सेम ही होता है जो ऊपर था, ठीक है। इसके अलावा ये pom.xml आप देख लो,
form.xml में क्या आया है, जो हमने डाला था वही सब चीज़ आया। हमारा वर्जन 2.7.3 हो गया, फिर से ये जो हमने डिस्क्रिप्शन डाला था वो डिस्क्रिप्शन है, हमारा जो जावा वर्जन है 1.8 है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब और स्टार्टर टेस्ट, ठीक है ना, और ये मेवन प्लगइन इसने डाल दिया खुद से, तो ये हमारा पॉम है। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप सीधे इस क्लास पे क्लिक करो और रन पे जाओ, रन एज कर दो जावा एप्लीकेशन या फिर स्प्रिंग बूट ऐप, ठीक है ना, तो दोनों में से कोई भी आप ट्राई कर सकते हो। तो इसमें एक प्रॉब्लम आएगा, ये आपसे मेन क्लास पूछेगा कि किस क्लास को करना है। जैसे देखो ये इतना सारा ऑप्शन दे रहा है कि इसमें से बताओ किस क्लास को मुझे रन करना है, ठीक है, तो अपना कौन सा था, स्प्रिंग बूट डेमो एप्लीकेशन, राइट, तो इस पर क्लिक कर दो। देखो अब एप्लीकेशन अप होना शुरू हो जाएगा, कुछ करना पड़ा, इतना जल्दी हमारा कॉन्फ़िगर हो गया, इसीलिए इसको इजी टू यूज बोलते हैं, रेडी टू यूज, है ना। ये एप्लीकेशन फेल्ड हो गया, क्यों, क्योंकि 808 पोर्ट पे ऑलरेडी मेरा चल रहा है जैम, राइट, तो चेंज कर लेते हैं। कहाँ जाएंगे उसके लिए, फिर जाएंगे हम लोग रिसोर्स के अंदर, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज जो है उसको खोल, वहाँ पे जाके क्या चेंज कर देंगे, server.port और हम इसको लिखेंगे इक्वल्स टू क्या, 8081, दैट्स ऑल। इसको सेव कर दो, एंड सेव करने के बाद वापस से इसको देखो, इस बार इस क्लास को ही रन करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो ये देख रहे हो ये अपना क्लास जो है स्टार्ट हो रहा है, ये हो भी गया, यहाँ पे आया ना स्टार्टेड, ये देखो स्टार्टेड स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इन इतना सेकेंड, और यहाँ पे पोर्ट भी बताता है, देखो टॉमकैट इनिशियलाइज्ड विद पोर्ट 8081। तो इस तरह से आप हमारा एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो है हमने इक्लिप्स के थ्रू एक बना लिया। अब इसी पे हम लोग अपना जो भी होगा आगे, जो भी हम लोग देखेंगे इसी एप्लीकेशन का यूज करेंगे और उसमें चेंजेस करते रहेंगे, डिपेंडेंसीज डालते रहेंगे। तो बने रहो आने वाले वीडियोज़ के लिए, मिलते हैं फिर उन वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।